मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ निशा दिवाकर फ्रॉम SDM इंटर कॉलेज. टूडे आई एम डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.5 ऑफ क्लास 4. ओके स्टूडेंट, आज हमको क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 2.5. तो टूडे डेट इज 25 मई 2020. तो बच्चों आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्टूडेंट्स, आपके पास PDF गिवन होगी, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. क्या है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन? फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच द गिवन डिजिट. आपको क्या दे रखी है स्टूडेंट्स? डिजिट दे रखी है, उसमें से आपको यूज़ करके क्या बनाने हैं? स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं और लार्जेस्ट नंबर बताने हैं. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रखे हैं, जैसे ABCD. तो स्टूडेंट देखिए, आइए हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर. तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने डिजिट दे रखी है? 4, 1, 2, 3, 4, 5. कितनी स्टूडेंट्स है? 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5. ओके स्टूडेंट, तो हमारी क्या है पहले? 4, 6, 0, 8, 3. अब हमें क्या बनाना है स्टूडेंट? स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है. तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 0 है. बट स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है? 5 डिजिट है. अगर हम बनाते हैं 0, 3, 4, 6, 8, तो स्टूडेंट कितने नंबर के रह जाएंगे? 1, 2, 3, 4 नंबर के रह जाएंगे. अब हमें कितने नंबर की बनानी है स्टूडेंट? 5 नंबर की. तो सबसे पहले क्या लेंगे स्टूडेंट? 3 लेंगे, ठीक है. फिर लेंगे 0, फिर हम 4 लेंगे, फिर 6, फिर 8. ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? अगर हम 0 पहले ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे कितने नंबर की बन जाएगी? 4 नंबर की डिजिट बन जाएगी. बट हमें कितने नंबर्स की बनानी है? 5 नंबर्स की. तो इसलिए लेंगे पहले 3, फिर 0, फिर 4, फिर 6, फिर 8. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें लार्जेस्ट नंबर बनानी है. तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे हमारा? 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 0. ओके स्टूडेंट, सबसे बड़ा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 0. ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए. यहाँ पे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? 2. ओके स्टूडेंट, अब 4 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 7. ओके स्टूडेंट, अब बड़ा बनाना है, लार्जेस्ट बनाना है, तो क्या आएगा? 7, 5, 4, 4, 2. ओके स्टूडेंट्स, हमें फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनाना है. सी वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? 2, 1, 6, 9, 5, 0. तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 9. ओके स्टूडेंट, पहले 1 आया, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 9. ओके स्टूडेंट, हमें लार्जेस्ट बनाना है. लार्जेस्ट के लिए क्या आएगा? 9, 6, 5, 2, 1, 0. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा क्या है? 9 आया, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने डिजिट देने हैं? 1, 2, 3, 4. तो अब हमें स्मॉलेस्ट बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट? 1, 0, 3, 8. ओके, अब लार्जेस्ट बनानी है, तो 8, 3, 1, 0. ओके स्टूडेंट, देखिए हमने करे हैं ABCD पार्ट करे हैं. तो देखिए हमने बनाए ए लार्जेस्ट नंबर बनाई और स्मॉलेस्ट नंबर बनाई स्टूडेंट्स. अब बाकी के ई और एफ आपको खुद करनी है स्टूडेंट्स. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो आपको क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखनी है. तो बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 9 से, ठीक है. तो ग्रेटेस्ट लिखनी है, तो कितनी बार लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5. 5 बार 9 लिख देंगे, तो हमारी क्या हो गई? 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर हो गई. ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट. आपको क्या करनी है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट की नंबर लिखनी है, बट क्या करना है आपको? अलग अलग डिजिट यूज करके लिखनी है. ओके, तो हम क्या लेंगे? 9, 8, 7, 6, 5. तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारी क्या बन गई? ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट की? 5 डिजिट की और डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स की. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट. अब क्या करना है आपको? 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बना दी है. तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके स्टूडेंट, डिफरेंट डिजिट की बनी, स्मॉलेस्ट नंबर बनी हमारी. और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का डी है आपका. सॉरी, ये सेकंड का नंबर वो डाल लीजिए स्टूडेंट, सेकंड का नंबर ए
करोगे आप, सेकंड का डी है आपका, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट विथ 9 एट 100 प्लेस एंड 5 एट द 1000 प्लेस। आपको क्या करना है बच्चों, 6 नंबर की ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है। ओके, आपको स्टूडेंट्स आपको 9 तो आना चाहिए आपका 100 प्लेस पे आना चाहिए, और जो 5 आना चाहिए वो आपका 1000 प्लेस पे आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट अब हम इसका आंसर लिखेंगे सेकंड की डी का। तो आपको क्या बताया था मैंने, 100 प्लेस पे क्या आनी चाहिए हमारी 9 आनी चाहिए, और 1000 प्लेस पे हमारा क्या आना चाहिए 5। तो अब हम डिजिट बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमारा अगर 100 प्लेस पे 9 आ रहा है तो हम 9 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, 8 से, और 7 आ गया स्टूडेंट। अब हमारा उन्होंने कहा है 1000 प्लेस पे आपका क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने 1000 प्लेस पे 5 कर दिया, और 100 प्लेस पे क्या बोला उन्होंने 9, और 6 आ गया, फिर स्टूडेंट 4 आ गया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने कहा है 9 तो आना चाहिए 100 प्लेस पे, और 5 आना चाहिए हमारा 1000 प्लेस पे। ओके स्टूडेंट, तो हमने 9 को 100 प्लेस पे लिख दिया, 5 को हमने 1000 प्लेस पे लिख दिया। अब देखिए, जब 9 तो यहाँ पे आ गया और हमारा 5 भी आ गया, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 फिर आ गया हमारा 7 के बाद। अब उन्होंने कहा 1000 प्लेस पे हमारा 5 आना चाहिए, तो 6 नहीं रख सकते थे हम, तो 5 आ गया स्टूडेंट हमारा। ऐसे 100 प्लेस पे हमारा 9 आ गया, फिर 7 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 आ गया यहाँ पे, 5 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट 4 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। अब उन्होंने कितने डिजिट के बोले थे, 6 डिजिट की, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, चेंज द पोजिशन ऑफ द डिजिट्स इफ रिक्वायर्ड टू गेट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको क्या करना है इसमें, इनका यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। ओके, 5 डिजिट की। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बच्चों क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप अपना क्वेश्चन जो है वो जो पीडीएफ है उसमें से आप पूरा नोट कर लीजिए, सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन ही मेंशन किया है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, ठीक है। आपको जैसे दे रखा है 3 6 4 5 0, तो आप स्मॉलेस्ट बनाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे 3 है, फिर 0, फिर 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाला देखेंगे स्टूडेंट, बी पार्ट इसका तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 2 3 5 और 8। ओके, ऐसे ही आपको उसके पार्ट करने हैं सब, ठीक है। इसके सी डी आपको खुद करने हैं। क्या करना था स्टूडेंट्स, थर्ड वाले में आपको एक डिजिट दे रखी है, अब आपको उसको स्मॉलेस्ट डिजिट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। ऐसे ही आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या करना है, चेंज द पोजिशन ऑफ द डिजिट इफ रिक्वायर्ड टू गेट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब आपको क्या बनाना है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा क्या है बच्चों, यहाँ पे 6 है, फिर क्या है स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, अब 6 के बाद, अब देखिए स्टूडेंट एक चीज और देखिए स्टूडेंट, देखिए पहले हमारा सबसे बड़ा क्या है 6 6 आ गया, फिर स्टूडेंट 5, फिर 3 0 0। ओके स्टूडेंट, अब याद देखेंगे इसमें क्या आएगा, 9, फिर 8, फिर 6 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके ऐसे ही करने हैं स्टूडेंट्स आपको, सी और डी पार्ट। ओके, बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट यू मे रिपीट द डिजिट। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको 6 नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है और स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, और आप कोई भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या दे रखा है 3 6 4 3। ओके, अब आपको उसकी क्या बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है, स्मॉलेस्ट और एक जगह लिख देते हैं हम लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों स्मॉलेस्ट बनानी है, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी क्या ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं। ओके, फिर 3 ले लें, फिर 3 ले लें, ठीक है। 3 बार तो हमारा 3 हो गया, फिर एक बार 3 लेंगे, फिर 4 ले लें, 6। अगर देखिए स्टूडेंट हम बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, वो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगी। अब हमें क्या बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम किस ले लेंगे,
तीन को हम रिपीट भी कर सकते हैं, तो हमने क्या लिया, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, थ्री है, तो हमने इसलिए थ्री से करा। अब लार्जेस्ट नंबर बतानी है स्टूडेंट्स आपको, तो क्या ले लेंगे, सिक्स लेंगे स्टूडेंट, सिक्स सिक्स, वन टू थ्री फोर आ गया। फिर स्टूडेंट अब स्टूडेंट वन टू थ्री आ गया हमारा, अब फोर थ्री थ्री, ओके, क्योंकि सिक्स डिजिट की पूछी है उसने, तो हम सिक्स बार फोर बार सिक्स नहीं ले सकते, तो उसने लार्जेस्ट नंबर बनानी है, तो तीन बार सिक्स ले लिया स्टूडेंट हमने, फिर फोर आ गया, फिर हमारा थ्री थ्री आ गया। ओके स्टूडेंट, एज इट इज आपको ऐसे ही बी वाला करना है, ठीक है, खुद करेंगे अपने आप, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए स्टूडेंट, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेन। ओके स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट टेन। अब आपको बच्चों क्या निकालने हैं स्टूडेंट्स, नियरेस्ट टेन निकालने हैं, और ऐसे ही आपको सेवन वाले केस में नियरेस्ट हंड्रेड निकालना है, और एट्थ वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट थाउजेंड निकालना है। तो स्टूडेंट नियरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ओके, तो वो देखिए, आपको टू टाइप्स की ट्रेन होती है स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रेन एंड सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन के अराउंड कितने नंबर आते हैं आपके, वन टू थ्री और फोर, और सेकेंड ट्रेन में आते हैं आपके फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। एक बार और देखिए स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट ट्रेन आती है उसमें आते हैं आपके नंबर वन टू थ्री फोर, और आपकी जो सेकंड ट्रेन आती है उसमें आते हैं फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। अब स्टूडेंट आप क्वेश्चन टू पीडीएफ में से नोट कर लेंगे, तो देखिए सिक्स का ए पार्ट है आपका क्या है, फाइव थ्री एट वन। तो स्टूडेंट्स हम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले हमारे कौन सा आता है, वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने थ्री एट वन, फाइव थ्री एट वन को। स्टूडेंट अब हमें कौन से नियरेस्ट टेन निकालनी है, तो टेन के जो पहले होता है वंस, तो वन जो है बच्चों हमारा, वन प्लेस पे क्या आ रहा है, हमारा वन आ रहा है, तो बच्चों जो वन आ रहा है वो कौन सी ट्रेन में आता है बच्चों, फर्स्ट ट्रेन में आता है या सेकेंड ट्रेन में, बच्चों वन जो आ रहा है हमारे फर्स्ट ट्रेन में आ रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई भी नंबर आपका फर्स्ट ट्रेन में आता है, तो आगे वाली नंबर में, मतलब आगे वाली नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्या कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई नंबर सेकंड ट्रेन में आता है आपका, तो आगे वाले नंबर में वन नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनना है क्या, फर्स्ट नंबर में आता है कोई भी नंबर, तो आगे वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर सेकंड नंबर में आता है आपको कोई भी नंबर, तो आगे वाले नंबर में वन नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट जो वन है वो कौन सी ट्रेन में आता है, फर्स्ट ट्रेन में आता है, तो आगे वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर आपको, फाइव थ्री एट, और जो जो नंबर हम लेते हैं उसमें जीरो लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हमारा फोर्थ इसको लेंगे, ऐसे करेंगे वंस टेंस हंड्रेड, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको। अब जो स्टूडेंट इसमें नियरेस्ट टेन पूछा है, ओके, फोर वन फाइव, अब इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए फोर वन फाइव है आपका। अब जो आपका जो टेन के आगे क्या है स्टूडेंट, आपका वन से वन प्लेस पे देखते हैं ना हमेशा पहले वाले पे, तो फाइव स्टूडेंट आपके कौन से ट्रेन में आता है, फर्स्ट ट्रेन में या सेकंड ट्रेन में, कौन सी ट्रेन में आता है स्टूडेंट, सेकंड ट्रेन में। तो हमने बताया था अगर कोई भी नंबर आपका सेकंड ट्रेन में आएगा, तो आगे वाले नंबर में, मतलब इस वाले नंबर में एक नंबर जुड़ जाएगा। तो वन अभी फाइव कौन सी ट्रेन में आ रहा है, सेकेंड में, तो वन और वन क्या हो जाएगी टू, तो फोर ट्वेंटी हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स आए समझ में, ध्यान से देखिए एक बार और, आपने क्या कहा नंबर वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो मैंने बताया है आपको नियरेस्ट टेन निकालना है, तो टेन निकालना है नियरेस्ट, तो आपको क्या करना था, एट टेन लिखा, फिर टेन से हम जो भी प्लेस निकालते हैं हम, जैसे हमें टेन निकालना है, थाउजेंड निकालना है, हंड्रेड निकालना है, उससे एक पहले वाला देखते हैं। तो टेन से पहले क्या आता है हमारा, वंस आता है, ओके स्टूडेंट, क्या आता है वंस आता है हमारा, तो वंस नंबर पे क्या है, वन नंबर है, वन नंबर हमारे कौन से ट्रेन में आता है, फर्स्ट ट्रेन में आता है। और मैंने आपको बताया अगर कोई भी नंबर आपके फर्स्ट ट्रेन में आता है, आगे वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करते। अगर आपका कोई भी नंबर सेकंड ट्रेन में आता है, तो आगे वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे, तो अब क्या करना है आपको, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट, वंस टेंस हंड्रेड, तो सिक्स एट्टी वन। अब इसमें आपको क्या निकालना है, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट हंड्रेड निकालना है। तो स्टूडेंट हंड्रेड से पहले आपका क्या है, जैसे हमने टेन से पहले देखा, तो अब इसमें हंड्रेड से पहले क्या है आपका, टेन से, और टेन पे कौन सा नंबर है आपका, एट है,
क्या है स्ट्रेंथ? 8 है। तो 8 आपके कौन से ट्रेन में आता है? फर्स्ट ट्रेन में या सेकंड ट्रेन में? कौन से में आता है? सेकंड ट्रेन में। तो आगे वाले नंबर में 1 नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा? 700। ओके, ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000। तो 7, 2, 6, 9। 1000 पे देखें, किस पे देखेंगे स्टूडेंट? 100 प्लेस पूछा है तो 10s पे देखेंगे। तो जो हमारा 6 है स्टूडेंट, वो कौन से ट्रेन में आता है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड ट्रेन में आता है। तो हमारे आगे वाले नंबर में 1 नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 300। ऐसे ही आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा है स्टूडेंट? नियरेस्ट 1000। तो ऐसे ही करेंगे इसको भी सिंपली, 1s, 10s, 100, 1000, 7, 5, 8, 4। तब स्टूडेंट अब इसमें 1000 निकालना है तो 100 पे देखेंगे, 100 पे हमारा 5 आ रहा है। 5 हमारे कौन से ट्रेन में आता है स्टूडेंट? फर्स्ट ट्रेन में या सेकंड ट्रेन में? कौन से में आता है? सेकंड ट्रेन में। तो आगे वाले नंबर में 1 नंबर इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर बी देखिए इसका, 1s, 10s, 100, 1000, 1197। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे 1000 से पहले क्या आता है? 100। 100 पे क्या आ रहा है हमारा? 1 आ रहा है। तो 1 हमारे कौन से ट्रेन में आता है? फर्स्ट ट्रेन में, सेकंड ट्रेन में? किसमें आता है बच्चों? हमारा फर्स्ट ट्रेन में आता है। तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 1000। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको सब समझ में आया हो। ऐसे ही आपको इसके सब पार्ट करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।